आ बेटे देखो कौन आया है। मामा बिल आया। 84,000? पागल तो नहीं हो गए ये लोग? इतना बिल, 45,000 तो सैलरी है रजा की, कैसे मैनेज होगा? खैरियत, गेट क्यों खुला हुआ है? कुछ नहीं, वो बेल बजी थी लेकिन कोई नहीं था। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं, मैं पानी लेके आती हूँ। रजा तो पहले ही बहुत परेशान है, पिछले महीने ही बाइक बेच के 51,000 का बिल भरा है और अब 84,000 का बिल देख के तो और ही परेशान हो जाएंगे। ए मेरे रब, गरीब तो कहीं का नहीं रहा, कैसे मैनेज करेंगे ये? मूसा के स्कूल की और वैन की फीस 6,000 रुपये, घर का किराया 15,000 रुपये, पेट्रोल का खर्चा पहले तो 2,000 रुपये में हो जाता था, अब तो कम से कम 8,000 रुपये लगेंगे। 45,000 रुपये तो यही हो गए, बिल भी तो रहता है। या अल्लाह, इतनी महंगाई कहाँ से होगा पूरा इस सैलरी में? हिना, क्या बिल नहीं आया? आज की डेट में तो बिल आ जाता है। जी आ गया है, लेकिन इस दफा लगता है कि कुछ गलती हो गई है, आपको जाकर ठीक करवाना पड़ेगा। चौरासी हजार का बिल, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। आप जाके बात करें, क्या मालूम ठीक हो जाए। तो तुमने टीवी नहीं देखा, यूनिट के रेट बढ़ गए। 84,000 का बिल, 45,000 रुपये तो मेरी सैलरी है। उफ़ मेरे खुदा। पूरी सैलरी भी लगा दूँ ना, तब भी बिल नहीं भर सकता। खर्चा और बिल भरने के लिए पहले ही बाइक बेच चुका हूँ और अब बसों के धक्के खा खा कर थक चुका हूँ, और अब ये 84,000 का बिल कैसे भरूँगा? क्या करूँ, कैसे भरूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले इतना खर्चा हो गया और ये हॉस्पिटल का बिल, मेरी तो जान ही ले लेगा। आप परेशान मत हों, शुक्र है कि जान बच गई। क्या फ़ायदा है ऐसी जान का जो अपने घर वालों के काम ना आ सके? ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ताला है ना। ये मूसा किधर गया? लो, लाइट चली गई। लाइट चली जाती है और बिल इतना इतना दे देते हैं ये लोग। बिजली का बिल भर दिया है। है? कैसे? मैंने अपनी गोल्ड की चूड़ियाँ बेच दी क्योंकि हॉस्पिटल के बिल में पैसे कम पड़ रहे थे, और फिर उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भर दिया। तुम्हें पता है पिछले महीने बाइक बेची और अब तुमने चूड़ियाँ बेच दी, क्या बनेगा इस तरह से? खैर है, फिर बन जाएगा, जरूरत के वक्त तो यही चीजें काम आती है ना। अभी तो सिर्फ मुसीबत टालनी थी। अगले महीने जो बल आएगी उसको कैसे टालेंगे? बाबा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। सही है बेटा, हो जाओ। ये लाइट फिर अभी हमारी ही गई होगी और किसी की नहीं गई होगी। इलेक्ट्रिशियन को फोन करता हूँ। ये मूसा भी ना आ जाएगा किसी कोने से। बेचारा, जब भी खेलने जाता है बाहर लाइट चली जाती है। हेलो, सब बेटे कहाँ चले गए थे? अंधेरे से डर लगता है ना आपको? ना, मैं बड़ा हो गया, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता।
अरे मेरा बेटा। लाइन तो सब सही है ना, मीटर में कोई फॉल्ट है ना लाइन में कोई फॉल्ट है। तो सिर्फ मेरे ही घर की लाइट क्यों चली जाती है? आप चेक करें, शायद कोई ब्रेकर गिरा रहा है आपका। अच्छा हाँ। चलें सही है, ओके ब्रेकर चेक करें। कोई ब्रेकर गिरा देता है बेचारा, जब भी खेलने जाता है बाहर लाइट चली जाती है। तो क्या मूसा करता रहा है ये? इसको तो मैं बताता हूँ। कहाँ है ये मूसा? पहले ही घर में कम टेंशन है, जो तुमने टेंशन दी हुई और शरारती उल्टी सीधी कर रहे हो। क्या किया इसने रजा? पूछो अपने लाडले से, जब लाइट जाती है ये उससे पहले कहाँ गायब हो जाता है? और इलेक्ट्रिशियन बोल रहा है कि बोर्ड में कोई खराबी नहीं है, ये जो है ना मेन स्विच ऑफ कर देता है। आप मेन स्विच ऑफ करते हैं डेली मूसा? जी मम्मा। हो गई तसल्ली? लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आप दोनों बिल की वजह से परेशान होते तो मैं स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन बेटा आपको स्विच ऑफ करने के बारे में किसने बताया? जब एक दिन बाबा पंखा सही कर रहे थे तो उन्होंने स्विच ऑफ करा था, तो मैंने जब देखा। बिजली के भारी भरकम बिल बच्चों की जहनियत पर भी गहरा असर छोड़ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, बराए मेहरबानी महंगाई को कम करें, वरना ये लोग शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे।